ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स का होता है, आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो हार्ट जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट कौन होता है? हार्ट होता है, केंद्रीय पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट होता है हार्ट, ठीक है। लेकिन ब्लड पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रक्त वाहिकाएं? तो निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है महाधमनी या फिर एओर्टा बोलते हैं, दूसरा है आर्टरीज या फिर धमनियां बोलते हैं, तीसरा है धमनिकाएं यानी आर्टेरियोल्स बोलते हैं, चौथा है कैपिलरी जिसको केशिकाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है सिराएं, सिरिकाएं यानी वेन्यूल्स। क्या है? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। अब नेक्स्ट है सिराएं और महासिराएं यानी वेन्स और वेना केवा, ठीक है। अब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं तो क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हृदय के बाएं नीला यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी यानी एओर्टा के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे सप्लाई होता है? होल बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है, होल बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है, जिसे कई शाखाएं निकलती हैं। कितनी? बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। किसकी? रक्त वाहिनियों की यानी ब्लड वेसल्स की, जिन्हें धमनियां यानी आर्टरी कहते हैं। इन धमनियों में उप शाखाएं भी होती हैं जिन्हें धमनिकाएं यानी आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये आगे चलकर बहुत ही सूक्ष्म शाखाओं केशिकाओं के रूप में पूरे शरीर में जाल की तरह फैल जाती है। आर्टेरियोल्स जो है ये आगे जाके कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। किसमें? कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। ये कैपिलरी क्या है? जाल की जैसे पूरे बॉडी में फैल जाती है, जिससे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है, जिससे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है। ये छोटी वाहिकाएं आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं, ठीक है। ये जो क्या है, इसके बाद क्या होता है? जो कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, आगे जाके क्या बनाती हैं? ये बनाते हैं आगे जाके सिरा बनाती है यानी वेन्स बनाती है, ठीक है, वेन्स बनाती है जो अशुद्ध रक्त को हृदय के दाहिने आलिंद तक लेके जाती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट आर्ट्रियम तक लेके जाता है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम तक लेके जाता है। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, इस साइड जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? वो है आर्टरी, और जो ब्लू कलर का या नीले कलर का दिख रहा है वो है वेन्स, और बीच में जो दिख रहा है वो क्या है? कैपिलरी है, जाल जैसी संरचना है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। सबसे पहले हम आर्टरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्टरी जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से? तीन लेयर से। लेकिन उससे पहले जानते हैं आर्टरी होता क्या है, ठीक है। धमनियां मोटी दीवार यानी थिक वॉल वाली वाहिनियां होती हैं, यानी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, थिक वॉल यानी उनकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों यानी एडल्ट ह्यूमन में फुफ्फुसीय धमनियों के अतिरिक्त समस्त धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन किसमें? एडल्ट ह्यूमन में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। किसको? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है। कैसे? यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, ठीक है। तो उसको छोड़ के सभी जो आर्टरी है वो शुद्ध रक्त का वाहन करती है, ठीक है। ये जो धमनियां है उसकी यानी आर्टरी जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना है। कितने लेयर से? थ्री लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहली है बाह्य कंचुक या फिर ट्यूनिका एडवेन सिया, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। यह धमनी का सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? यह आर्टरी का सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो धमनी की रक्षा करता है यानी प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको? आर्टरी को प्रोटेक्ट करके रखता है। इस स्तर का निर्माण मुख्यतः कोलेजन तंतुओं यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, ये जो आर्टरी है, आर्टरी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंसिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मध्य कंचुक या फिर ट्यूनिका मेडिकल, जो मिडिल लेयर है, ठीक है, या धमनी का बीच का स्तर होता है यानी या मिडिल लेयर होता है, ठीक है। किसका? आर्टरी का, जो बड़ी धमनियों में सबसे मोटी परत होती है,
जो बड़ी धमनियां होती है उसमें सबसे मोटी परत किसकी होती है? ट्यूनिका मीडिया की होती है। इसका निर्माण मुख्यतः कोलेजन तंतु यानी कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और चिकनी पेशी से कोशिकाओं का इलास्टिक तंतुओं से होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? कोलेजन फाइबर हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर हो गया। इन सबसे मिलकर बना होता है कौन? ट्यूनिका मीडिया मिलकर बना होता है। लास्ट जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलते हैं अंतःकंचुक या फिर ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, ठीक है। या आर्टरी जो है ये सबसे इनर यानी सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है। वास्तव में यह टू लेयर से मिलकर बना होता है। जो ट्यूनिका इंटीमा होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से? दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जो फर्स्ट है, जो पहली लेयर है वो किससे? इंडोथेलियल सेल और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है। और जो सेकेंड लेयर है वो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो ट्यूनिका मीडिया एवं सबसे भीतर वाली एंडोथेलियल कोशिकाओं की लेयर के बीच में स्थित होती है। ये जो इलास्टिक टिश्यू की जो लेयर होती है सेकेंड लेयर, वो कहाँ पे स्थित होती है? वो ट्यूनिका मीडिया, जो मैंने मीडिया यानी सेकेंड वाली लेयर बताई है किसका? आर्टरी की, उसमें। और जो अभी बताया है फर्स्ट वाली लेयर यानी एंडोथेलियल सेल, उसके लेयर के बीच में स्थित होती है। कौन? इलास्टिक टिश्यू वाली लेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह लेयर रक्त को बिना जमे बहने के लिए चिकनी सतह उपलब्ध कराती है। क्या करती है? बिना जमे, ब्लड का बिना थक्का बधे चिकनी सतह उपलब्ध कराती है बहने के लिए। किसको? ब्लड को प्रवाह करने के लिए चिकनी सतह उपलब्ध कराती है। कौन उपलब्ध कराता है? तो ट्यूनिका इंटीमा उपलब्ध कराता है, ठीक है। आगे देखिए, धमनी की दीवारें दृढ़ एवं लचीली होती है। कैसी होती है? दृढ़ एवं लचीली होती है। फलता जब दाब पड़ने पर फैल जाती है, यानी जब उसमें दाब यानी प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? वो फैल जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे प्रेशर कम होता है वो फिर से अपने साइज में आ जाती है, ठीक है। इनमें आवश्यकता अनुसार अधिक संकुचन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने की क्षमता इसमें ज्यादा रहती है, ठीक है, अधिक रहती है, ठीक है। धमनियों के संकुचन एवं शिथिलन के गुण से रक्त आगे बढ़कर सदैव प्रवाहित होता रहता है। जो आर्टरी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, और रिलैक्शन का, दोनों क्या होता है? दोनों के गुण के कारण क्या होता है? इसमें प्रवाह जो होता है वो सदैव होता रहता है, ठीक है। जो सर्कुलेशन है वो सदैव होता रहता है। किसके कारण? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण, ठीक है। आगे देखिए, धमनियों की भित्तियों की रचना उनकी मोटाई पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? उनकी मोटाई पर निर्भर करती है। महाधमनी यानी एओर्टा जो है एवं धमनियों आर्टरीज की ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक ऊतक अधिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू अधिक होता है। और छोटी धमनियों में क्या होता है? आर्टरी में पेशीय ऊतक यानी मसल टिश्यू जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए डायग्राम में, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आर्टरी का डायग्राम है, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंचिया बोलते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। और जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा की एक लेयर है एंडोथेलियल सेल, ठीक है, और दूसरी लेयर कौन है? इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है केशिकाएं यानी कैपिलरी क्या होता है। सबसे पहले इसको जानते हैं, देन उसके बाद हम जानेंगे कैपिलरी के बारे में पूरा डिटेल में। केशिकाएं यानी कैपिलरी अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिनियां है। क्या है? रक्त वाहिनियां, अत्यंत सूक्ष्म, एकदम पतली होते हैं। बाल का स्ट्रक्चर जो होता है बाल से भी पतला होता है। कौन? कैपिलरी, जिनसे होकर शरीर के विभिन्न भागों के ऊतक एवं कोशिकाओं के पोषण एवं उनकी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए शुद्ध रक्त पहुंचता है। क्या होता है? जो ब्लड आता है कहाँ से? एओर्टा के थ्रू आता है आर्टरी में, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल्स में जाता है, आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से पूरे होल बॉडी में सप्लाई हो जाता है। किसके थ्रू? कैपिलरी के थ्रू। तो कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे होल बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। केशिकाएं बाल से भी बारीक होती है, बाल से भी पतली होती है। मैंने बताया ना, ये बाल से भी पतली होती है। और शरीर के समस्त तंतुओं में जाल के समान बिछी रहती है। कैसे? जाल, जैसे जाल होता है ना, उस प्रकार से पूरे शरीर में बिछी रहती है ये कैपिलरी, ठीक है। इनकी भित्तियों की रचना मात्र एक कोशिका की परत या एंडोथेलियल स्तर से बनी होती है। जो इसकी कोशिका होती है, इसकी सेल्स जो होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेल्स और एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, एंडोथेलियल सेल के लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। भित्ति की कोशिकाएं आपस में छिद्रयुक्त रचना से जुड़ी रहती है। ये जो
क्या है, इसकी जो लेयर है वो छिद्रयुक्त कोशिका से मिलकर बनी होती है। किससे? छिद्रयुक्त कोशिका से मिलकर बनी होती है, जिससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है उसका आदान प्रदान होता है, और बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का आदान प्रदान होता है। फिर क्या होता है, ये आगे जाके वेन्यूल्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरी। ठीक है, आदान प्रदान होता है, बहुत से पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग रक्त से केशिकाओं के भित्तियों से रिसकर ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य रासायनिक वज्य पदार्थ इनमें प्रवेश पा जाते हैं। मैंने बताया ना, छिद्र इसीलिए होता है कि जो अन्य जो पदार्थ है वो आपस में रिसकर अंदर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और अंततः सिराओं यानी वेन्यूल्स का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेती है? वेन्यूल्स का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, सिरिकाएं आपस में मिलती है जहाँ पे उनका आकार बढ़ता है। क्या होता है, जहाँ पे वेन्यूल्स आपस में मिलती है वहां उनका आकार बढ़ जाता है, और आगे निरंतर चलकर हुए वेन्स में विलीन हो जाती है, यानी वेन्स का पूरा निर्माण हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट से क्या आया, हार्ट से ये आई आर्टरी। ठीक है, आर्टरी क्या हुई, आर्टरी रियोल्स में कन्वर्ट हुई, आर्टरी रियोल्स ये है। ठीक है, आर्टरी रियोल्स के बाद फिर आर्टरी रियोल्स कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ, फिर कैपिलरी जो है वो किसमें, सिराओं में, सिरिकाओं में कन्वर्ट हुआ, फिर सिरिकाओं जो है वो सिरा में कन्वर्ट हुआ, जो सिरा है वो वेन्स में विलीन हो गया। ठीक है, फिर जाके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा देता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है वेन्स। ठीक है, अभी हमने कैपिलरी देखा, अब हम देखते हैं वेन्स क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त का संवहन करने वाली कोशिकाओं को सिरा बोलते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन करता है परिवहन, तो सिरा करता है, यानी वेन्स करता है। हृदय में या उसकी ओर ले जाने वाली वाहिकाओं को सिरा बोला जाता है, यानी पूरे टिश्यू से, ठीक है, पूरे टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, सिरा यानी वेन्स लेके जाता है। ठीक है, यही कारण है कि फेफड़े से शुद्ध हुए रक्त को ले लाने वाली चारों वाहिनियों को फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के सभी जितनी भी वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचाती है। ठीक है, परंतु इनके अतिरिक्त शरीर की शेष समस्त सिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता। मैंने बताया ना, सिराओं का उद्गम स्थल वहीं पर होता है जहां पर केशिकाओं का अंत होता है। जहां पे कैपिलरी का अंत होता है वहां पे सिरा यानी वेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, केशिकाएं शुद्ध रक्त के पोषक तत्वों का ऑक्सीजन को ऊतकों को देने के बाद उनमें से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जैसे वो क्या होता है, टिश्यू को देती है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, तो उससे क्या निकलता है, रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल पदार्थ निकलता है। तो क्या होता है, केमिकल पदार्थ यानी विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इससे जब भर जाती है तो क्या होता है, यहीं पर ये अशुद्ध रक्त से भरी सूक्ष्मनलिका यानी सिरा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सिरा यानी वेन्स में परिवर्तित हो जाती है। इसी स्थान पर ये नलियां अति सूक्ष्म होती है, कैसी होती है, एकदम सूक्ष्म होती है, एकदम पतली होती है। ठीक है, जिन्हें सिरिका यानी वेन्यूल्स कहते हैं। समस्त सिरिकाएं आपस में मिलती जाती हैं और मिलकर सिरा यानी वेन्स बनाती है, जो आगे चलकर और बड़ी सिराएं बनाती है। क्या बनाती है, आगे चलकर और बड़ी सिरा बनाती है। ठीक है, जिन्हें महासिराएं भी कहते हैं यानी वेना केवा भी कहते हैं। ये महासिराएं यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी अंगों एवं निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को संग्रहित करके हृदय के दाएं अलिंद यानी राइट एट्रियम में पहुंचाती। कौन, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, शरीर के ऊपरी भाग और निचले भाग सबसे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। ठीक है, जो वेन्स होता है, वेन्स देखिए हमारे बॉडी में ऊपर ही दिखते रहता है, जैसे ये नीले कलर का वेन्स दिखते रहता है, ये क्या होता है, वेन्स होता है। ठीक है, ये ऊपर ही दिखता रहता है। ठीक है, शरीर में सिराओं की स्थित प्राय त्वचा के समीप होती है। कहाँ रहती है, त्वचा के समीप रहती है, जबकि धमनियां प्राय शरीर के भीतर भागों में ही रहती है। जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, वो शरीर के बाहर भीतर होती है, अंदर होती है, जो जिस कारण दिखती नहीं है। लेकिन जो आर्टरी यानी सॉरी जो सिरा है, वेन्स है, वो दिखती रहती है, नीले रंग की दिखती रहती है ना। सिराओं का रक्त हृदय की ओर जाता है, जो सिरा है यानी वेन्स है उसका जो रक्त है वो हृदय की ओर जाता है। ठीक है, अतः हृदय की ओर इनके प्रवाह को गतिशील रखने के लिए कुछ सिराओं में कपाट यानी वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। साधारण ऐसे वॉल्व भुजाओं में, विशेष रूप से निम्न भुजाओं में अत्यधिक होते हैं। शरीर के भीतरी अंगों यानी वक्ष एवं उदर की सिराओं में वॉल्व का अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है, वॉल्व का अभाव रहता है। कहाँ पे, वक्ष एवं उदर की सिराओं में, वक्ष यानी चेस्ट के और उदर के सिराओं में वॉल्व का अभाव रहता है। ठीक है,
ये देखिए यानी वेंस का स्ट्रक्चर देखिए, तो वेंस भी तीन लेयर से मिलके बना होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंचिया बोलते हैं। जो मिडिल लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम में देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका एडवेंचिया है, और मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका इंटीमा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी वेन्स कैपिलरी क्या होता है पूरा अच्छे से देखा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहे।